मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं, जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, आप नैना बिटिया को तुलसी से मिला रहे हैं, कहां हमरी नैना और कहां तुलसी, अरे हम भी नैना बिटिया की पांव की धूल नहीं है तुलसी। बहुत अच्छा होता अगर हम ये रिश्ता आपके घर ले आए। अजी नहीं जी, हमरी बेटी तो अभी शादी करेगी भी नहीं, और अगर करेगी भी तो कोई ऐसे वैसे लड़के से नहीं, अरे उसके लिए तो कोई कलेक्टर या कोई ऑफिसर ही होना चाहिए ना। अब नैना की माँ का कहना है कि अगर लड़की आईएएस कर जाएगी तो लड़का भी फिर लेवल का होना चाहिए ना, आप समझ सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आईएएस लड़की होगी तो लड़का भी तो वैसा ही होना चाहिए, कोई साधारण लड़का से शादी थोड़ी करेगी। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अरे भाई हम उसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढेंगे कि पूरा जिला देखता रह जाएगा, अरे हमारे घर के बाहर बस लाल बत्ती ही बत्ती नजर आएगी, लोगों की आंखें देखते ही चौंधिया जाए बस। अरे बस बस अजीत जी समझ गए, आप चाय ले आओ। नहीं नहीं बस रहने दीजिए, बहुत देर हो रही है, हमको चलना चाहिए। अरे अभी तो देखने दिखाई में टाइम लगता है, एक चाय हो जाए। और वैसे भी लड़की का सारा कच्चा चिट्ठा आपको पता ही चल गया है, आपने तो वहां जाके ना ही बोलनी है। हाँ जी, आपने इस लड़की के बारे में इतना कुछ बता दिया, मुझे तो चिंता हो गई, क्यों हम इस लड़की को देखें। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोगों ने हमें याद किया और रिश्ता लेकर आए। वैसे कायदे से तो लड़की वाले जाते हैं लड़के वाले के यहाँ। ऐसी बात क्यों कर रही हैं मैं? हमारे परिवार का मानना है रिश्ते की बात हंसी खुशी से, अहम का यहाँ क्या काम। आज के जमाने में इतनी अच्छी सोच कहाँ मिलती है भाभी जी, तो आप लोगों के घर के संस्कार इतने अच्छे हैं कि। इसीलिए तो हम भी रिश्ते की बात करने एक संस्कारी परिवार में आए हैं, और ईश्वर ने चाहा तो हमारा इतने दिनों का संबंध बहुत जल्दी रिश्तेदारी में भी बदल जाएगा। वैसे कहाँ है तुलसी, बड़ी देर लगा दी, ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रही है क्या? नहीं नहीं बस आई रही। बुआ आ रही है ना, इसीलिए। चलो चलो बाहर निकलो यहाँ से।
अरे रहने दीजिए, बच्चे हैं सब। तुलसी के साथ खेलते हैं, बहुत प्यार करती है वो इन्हें। ये तो बहुत बढ़िया बात है, बच्चों से प्यार करना भी चाहिए। चलो पैर छुओ। शर्मा काहे रहे हैं देवर जी? आओ बेटी, या नाम का है बिटिया? मजाक सबसे नहीं किया जाता, मेहमानों से अच्छे से बात करते हैं ना तुलसी। बात क्या कर रही हूँ भाभी, हम तो सिर्फ अपना नाम बता रहे हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, थोड़ा बचपना है इसमें। अच्छे से बोल के अपना नाम बताओ। मेरा नाम तुलसी है। लीची गोलू अपना अपना नाम बताओ। गोलू लालचंद विद्यासागर। इतना बड़ा नाम? अरे इसलिए तो लीची बुलाते, हर बार थोड़ी ना ऐसा बोल सकते, लालचंद विद्यासागर लालचंद विद्या। चुप कर। अब बेटा है मेरा। अच्छा आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम? ये आपका नहीं, उनका नाम। विनय। अच्छा बिटिया ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद है? हमें ना फल और मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। आप हंस क्यों रही हैं? फल और मिठाइयाँ खाना अच्छी बात नहीं होती क्या? ऐसी बात नहीं करते बड़ों से। अरे कोई बात नहीं है बहन जी। हाँ बोलो बिटिया। हमारी नानी हमेशा कहा करती थी कि जो भी दिल में होता है वो बोल देना चाहिए। है ना माँ, नानी कहती थी ना। अच्छा बिटिया अब ये बताओ कि कुछ बात है तुम्हारे मन में जो बताना चाहती है? बोलू? हाँ बिटिया बोलो। हमें ऐसे सिर पे पल्लू लेके नजर झुका के जीजी करना पसंद नहीं है। मत करो बिटिया, आराम से बैठो। साड़ी में कैसे बैठूं? ऐसे नहीं बोलते, क्यों नहीं समझती है तू? अरे तो कैसे बोलते हैं माँ? भाभी ने कहा था धीरे धीरे बात कर, तो चिल्ला के थोड़ी ना बोल सकती। धीरे धीरे तो बात कर रही हूँ। अच्छा धीरे धीरे ही बोलो। खाने में क्या पसंद है ये तो बता दिया, और क्या क्या पसंद है? हमें ना गुलेल से निशाना लगाने में बहुत मजा आता है, और साइकिल के टायर की हवा भी निकल देते। मैं लीची को लोग खूब खेलते हैं। बताया था आपसे कि थोड़ा बचपना है इसमें। बात तो सही कह रही है भाई साहब। वैसे भी इंसान को जो पसंद हो वही कहना चाहिए, वही करना चाहिए। हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपको एक गाना सुनाएं।
अरे वाह, गाना भी गाती हो? हाँ नहीं, गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले सबसे ठीक से बात करो, उसके बाद गाना गाना, ठीक है? अच्छे से ही तो बात कर रही हूँ भाभी, वो तो साथ ही बात नहीं कर रहा। अरे नहीं नहीं, ये भी करेगा। अच्छा बिटिया, आप पहले गाना सुना। चलो गोला लीजिए, हम गाने सुना दे। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा। चलो जाओ, तुम भी जाओ। आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे? गाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बिटिया, बहुत अच्छा था। बहुत बातूनी है, चुपी नहीं होती। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन अरे नहीं नहीं बहन जी, हम समझ सकते हैं। वो क्या है कि हम चाहते हैं कि लड़का लड़की को अकेले में बात करने दिया जाए। अब अकेले में क्या वक्त दें? परिचय तो हो ही गया ना दोनों का। नहीं नहीं बहू, लड़का लड़की को अकेले में बात करते हैं। तुलसी बिटिया, अब अपने ही साथी को ले जाके अपना कमरा दिखाओ। हाँ साथी चलो, हमारे पास ढेर सारी चीजें, गुड्डे गुड्डी है, कंचे हैं, और वो गुलेल होती ना वो भी है। चुप चुप तुलसी, जाओ विनय जी को लेके जाओ। क्या कहें जी, अपने ही मन की सुनती है। वैसे हमारी बेटी दिल की बहुत अच्छी है। हाँ। हम समझ सकते हैं बहन जी, आप माता पिता हैं इसलिए आप दोनों को बुरा लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं आपकी बिटिया का दिल एकदम साफ है, कोई छल कपट नहीं। इसीलिए हम चाह रहे थे अब लड़का लड़की हमारे बीच में क्या बात करेंगे, तो थोड़ा अकेले में बात कर लें। नैना तो बहुत तेज है, ऐसी लड़कियां हैं तो आईएस कंप्लीट करती हैं। हाँ अब देखिए ना हम, अरे भाई पड़ोस में मंगलू की शादी को पूरे एक महीना हो गया, उसकी पत्नी का कहाँ नाम ये तक हम नहीं जानते, और हमारी बिटिया को देखते हैं, देश के बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबका नाम इसको याद है, और सबका जब ये नाम लेना शुरू करती है ना तो हमारा तो सिर चकराने लगता है। मम्मी आपको पता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? पूरे 120 करोड़। और सुनो, संसद में कितने सदन है? पूरे 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा। देखिए अब ऐसे ही हम अपनी बेटी का कलेक्टर होने का इंतजार थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे हम तो जानते हैं ये पढ़ाई में बहुत तेज है। अच्छा वो बहुत तेज हो रही है, अब चलना चाहिए। अरे अजी जी, आप चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं बिटिया। अरे सवाल क्या पूछना है, सामने ही दिखाई दे रहा है, बहुत होशियार है आपकी बेटी। बस एक बार अगर कुछ पूछना हो अपनी तरफ से पूछ लीजिए, हम लोग को अच्छा लगेगा हमारे तसल्ली के लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ तो नैना, दिल्ली पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद गजनबी ने या मोहम्मद गौरी ने? और ये देखो चौक, मास्टर जी के स्कूल से चुराए।
और ये नीति की किताब है। बुआ ये तो मेरी किताब है। अच्छा अब एक बात बताओ कि आपने मुझे मुंह पे उंगली रख के चुप रहने को क्यों कहा? क्योंकि अगर मेरी माँ को पता चल जाता कि मैंने तुम लोगों को 500 रुपए दिए तो मुझसे नाराज हो जाती। पर वो तो हमने खपनू की माँ के इलाज के लिए लिए थे ना। अगर मुझे डांटती तो? वो तुम्हें डांटेगी? पर वो तो कितनी अच्छी है, उन्होंने मेरा गाना भी सुना और उन्हें मेरा गाना अच्छा भी लगा, है ना लीची? अच्छा ये बताओ गाना कौन सुनाएगा? मैंने तो गाना सुना दिया, अब लीची और गोलू सुना। नहीं नहीं तुम सुनाओगे। मैं? हाँ। मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगी तो तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। सच्ची? कौन सा गाना सुनाऊं? दीदी वो वाला। हाँ हाँ मैं जब गाना गाऊंगी ना तब तुम दोनों ताली बजाना। हाँ परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। हो गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब मेरी तस्वीर बनाओ। ये लीची की किताब नहीं बना के तुम बैठो, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊं, ठीक है? मेरी भी तस्वीर बनानी पड़ेगी। और मेरी भी। पहले मेरी तस्वीर बनेगी। अरे अरे सबकी तस्वीर बनाऊंगा, पहले तुम बैठो जाके। बैठो, बिल्कुल हिलना मत, ऐसे ही बैठे रहना एकदम। साथी थोड़ा भी नहीं हिल सकती? हिलना मत। हिलो मत। अरे ये बोला ना हिलना मत। बेटी सोच रही हो का? अरे इतना सारा तुमको याद है उसमें से कह दो कोई एक। अरे मम्मी आप डिस्टर्ब मत करो। अरे चुप रहो ना, याद करी बेचारी। मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनबी? बेटा कोई बात नहीं, आराम से सोच के जवाब दो। अच्छा भाई साहब अब इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई है, चलते हैं। नमस्ते। सुनिए ना हम लोग भी चलते हैं ना भाई साहब के यहाँ, जरा इसी बहाने हालचाल भी देख लेंगे। नहीं नहीं आप रहने दीजिए, अगर आप जाएंगे तो खामखा शक हो जाएगा। वैसे भी बोलने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ आए थे। ठीक है ठीक ठीक है। अच्छा कोई गाइड या गेस्ट पेपर आया आपके पास? हाँ एक गाइड तो है और आईएएस की परीक्षा के लिए बहुत अच्छा है। पापा मुझे वो चाहिए। लेकिन थोड़ा महंगा है। कितने की है? वैसे तो 1500 की है लेकिन हम आपको 1200 में लगा देंगे। पापा मुझे ये चाहिए। ठीक है मैं कल परसों ग्लोबल सेंटर पे आ जाऊंगा तो आपसे ले लूंगा। जी बहुत अच्छा, अब चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मुहा इतना कुछ खिलाया पिलाया और देखो हमारी बेटिया को एक फ्री में गाइड नहीं दे सकता था? मक्खी चूस कहीं का, एक नंबर का कंजूस। 1200 रुपया। कितनी अच्छी है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। देखो
मैं इस तस्वीर को अच्छे से फ्रेम करवा के मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, ठीक है? सच्ची? हाँ। अब मेरी तस्वीर बनानी पड़ेगी। मेरी मेरी नहीं मेरी, मैंने बोला ना मेरी मेरी नहीं मेरी मेरी नहीं मेरी नहीं, मुझे बनवानी है। ये क्या हो रहा है? अरे आपको तस्वीर बनवानी है, साथी बहुत अच्छी तस्वीर बनाते हैं। बनवाने बेटा तुम लोग बाहर जाओ, हम तुम्हारे साथी से तस्वीर बनवाते हैं। चलेगा, चलो बोले दीजिए। क्या बोलते हो बेटा तुलसी के बारे में?